वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11 मैथमेटिक्स। हम जो है प्रीवियस वीडियो में जो है एक्सरसाइज पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, अनेकों क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के डेट में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर आपका शायद 21 तक या 22 तक हो गया था। 22 और 23 जो है सेम है, तो 23 चलिए 23 को साल कर देते हैं। जैसे 23 साल हो जाएगा वैसे 22 भी साल हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है ए बी सी कॉस ए बाय टू से जो है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 चलिए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यही शायद एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, प्रूव करना है टैन ए अपॉन टू टैन बी अपॉन टू टैन सी अपॉन टू
तो अंडर रूट वन माइनस ए अपॉन एस, वन माइनस बी अपॉन एस, वन माइनस सी अपॉन एस। ठीक है, इतना जो है आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले टेन ए अपॉन टू, टेन बी अपॉन टू, टेन सी अपॉन टू। तो सबसे पहले टेन ए अपॉन टू की वैल्यू क्या होती है फार्मूले से, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। शायद ये ही फार्मूला होता है। ठीक है, ये तो ए की है बाकी इसको अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी एस एस माइनस बी। एक ब्रैकेट में लिए तीसरा वाला फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी एस एस माइनस सी। जब इतना फार्मूला जो है आप तीनों फार्मूले तीनों फार्मूले जो है ले लिए, तो चलिए हम क्या करते हैं एक दूसरे से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तब एक दूसरे से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी। ठीक है, ऊपर का ऊपर में एस इंटू एस इंटू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो जब इस एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी, तो क्या है आपका आ जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन एस एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी अपॉन एस। तीनों एस नीचे ले देते हैं। ठीक है, फिर टेप पर इसके फार्मूले लगाएंगे, एक तीनों जो है एक दूसरे से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब जब मल्टीप्लाई कर देंगे एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस बी नीचे वाले से कट जाएगा, आपका बचा है एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस एस। तो अब इसको जो है फैक्टराइज कर देते हैं, तो इसको एस ए कैंसिल हो जाएगा, ये वन माइनस ए अपॉन एस ले सकते हैं, ये वन माइनस बी अपॉन एस ले सकते हैं, वन माइनस सी अपॉन ए ले सकते हैं, सॉरी एस ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आज जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो है ए चैप्टर को जो है खत्म किया जाता है, नेक्स्ट डेट में जो है आपका चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही।